हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रॉयल सेवरी। आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन बिना ओवन, बिना ग्रिल पैन, सिर्फ नॉर्मल पैन पे या फिर तवे पे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 kg चिकन, 2 बड़े चम्मच ताज़ा दही, 1 मीडियम साइज नींबू का रस, प्याज, धनिया पत्ता और मिर्ची का पेस्ट 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 बड़ा चम्मच, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी ऑरेंज कलर यानी कि केसरी कलर, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम चिकन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे सारे स्पाइसेस और प्याज, ताज़े हरा धनिया और मिर्ची का 1 टेबल स्पून भर के पेस्ट, दही, 1 नींबू का रस और इसे हाथों की हेल्प से अच्छे से मसल के हम इसे मैरिनेट कर लेंगे। सारे चिकन के जो हमने कट्स लगाए हुए हैं उसके अंदर भी सारे मसाले अच्छे से इनकॉर्पोरेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, बहुत ही अच्छे से हमें इसे मैरिनेट करना है। मसल के सारे मसाले हमें इसमें अच्छे से इनकॉर्पोरेट करना है, तभी हमारा चिकन अच्छे से बनकर तैयार होगा, वरना अंदर से सारा चिकन फीका यानी कि टेस्टलेस बनकर तैयार हो जाएगा। इसीलिए इसे अच्छे से इनकॉर्पोरेट करना ना भूलिएगा मसालों को। देखिए, मैंने अच्छे से मसाले में सारे चिकन को कोट कर लिया है। अभी हम इसे ढककर सारी रात मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास सारी रात रखने का, ओवरनाइट रखने का टाइम नहीं है, तो आप इसे मिनिमम 2 to 3 hours मैरिनेट करके छोड़ दें। देखिए, मैंने सारी रात रख दी है। नेक्स्ट डे देखिए, हमारा चिकन अच्छे से सारे मसालों को सोक कर लिया है, सारे मसाले अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं चिकन के साथ। बहुत ही देखिए अच्छे से ये मैरिनेट हो चुका है। अभी ये तैयार है बनने के लिए। अभी हम एक नॉर्मल पैन या फिर तवा, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। उसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून तेल और हाई फ्लेम पे हमें इसे चिकन को इसमें रखना है। हाई फ्लेम पे ही हम इसे भूनेंगे। जितनी जगह थी उतने मैंने चिकन के पीसेस इसमें रख दिए हैं। हम इसे बिना ढके इसे 4 से 5 मिनट ऐसे ही भून लेंगे हाई फ्लेम पे। अगर आप इसे प्लेट से ढक देंगे तो आपके चिकन के सारे जूसेस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये अच्छे से नहीं बनेगा। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। एक साइड से ये अच्छे से ग्रिल हो चुके हैं, इसके ऊपर अच्छे से कलर आ चुका है। देखिए कितना मज़ेदार अभी से लग रहा है। अब हम जब पलट के इसे कुक करेंगे तो आप लिड से इसे कवर करके कुक कर सकते हैं। दूसरी साइड देखिए, दूसरी साइड भी 4 से 5 मिनट हो चुके हैं हाई फ्लेम पे और ये अच्छे से दूसरी साइड भी कलर आ चुका है और ये अच्छे से गल भी चुका है, क्योंकि हमने इसे मैरिनेट करके ओवरनाइट रखा है, तो गलने का मसला बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आपका चिकन अच्छे से गल जाएगा। यहाँ पर मैंने लेटस लीव्स, कुकुम्बर के स्लाइसेस, ऑनियन के स्लाइसेस और नींबू के साथ इसे सर्व किया है। लेटस लीफ का सैलेड बहुत ही अमेजिंग लगता है तंदूरी चिकन के साथ, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार आप इसे बना के ट्राई कीजिएगा, आप रेस्टोरेंट वाला चिकन तंदूरी भूल ही जाएंगे, उससे भी बहुत गुना ज़्यादा ये ज़बरदस्त और टेस्टी बनकर तैयार होगा। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई रेसिपी प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक